हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो है क्यू एन ए वीडियो और आज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे एंड काफ़ी लोगों की इससे हेल्प होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है एंड आप चाहते हैं इस क्यू एन ए की वीडियो में क्वेश्चन मैं रिप्रेजेंट करूँ लोगों के सामने, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। एंड अगर आपको पर्सनलाइज्ड आंसर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा यूट्यूब से एंड ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वरुण सोनी जी का। तो ये पूछते हैं कि सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर इन्होंने विश किया है, तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर है एंड होप करता हूँ कि 2020 जैसा ईयर ना जाए, उससे बेटर ही जाए। नहीं तो इनका क्वेश्चन ये था कि ये होंडा सिटी का फोर्थ जनरेशन बाय करना चाहते हैं एंड ये पूछते हैं कि कुछ पैसे बचाने के लिए क्या मैं फॉर सेविंग सम मनी 2021 में क्या है फोर्थ जनरेशन सिटी को खरीद सकते हैं। तो आप अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा तो जवाब होगा नहीं। उसका रीज़न है, सबसे पहले तो ब्रांड्स की ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि जो कार का नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आ चुका है ऑलरेडी उसका प्रीवियस जनरेशन मार्केट में रखने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो यही सबसे घटिया बात है कि अभी भी प्रीवियस जनरेशन सिटी बिक रही है मार्केट में। प्लस उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल ग्रैंड एटन के साथ भी ऐसे ही हुआ है, ग्रैंड एटन अभी भी आ रही जबकि न्यूस मार्केट में आ चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर फ्यूचर प्रूफ कार चाहिए तो मिली फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी, बट मुझे लगता है आपको उस पर जाना चाहिए क्योंकि वो फार बेटर है फोर्थ जनरेशन से, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। कार के जो है स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है, कार का जो अप मार्केट फील है वो बढ़ गया है, कार के लुक्स काफ़ी इन्हेंस हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप जो लेटेस्ट जनरेशन सिटी है उसी को बाय करें, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको फ़ायदा है। एंड प्लस मुझे नहीं लगता कि फोर्थ जनरेशन सिटी फर्स्ट हैंड लेनी चाहिए। हाँ, सेकेंड हैंड मिल रही है तो ट्राई कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक 2021 में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर, बट नहीं लेनी चाहिए मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक पित्रोडा जी का। ये पूछते हैं कि इनको ये अपनी फर्स्ट कार बाय कर रहे हैं, इनकी प्रेफरेंस सिटी ड्राइविंग एंड हाईवे ड्राइविंग एंड इनका बजट है 6 to 9 lakh। सर ये कैसा बजट है, आपने तो बजट ऐसा रखा हुआ है कि इसमें आपको हैचबैक से लेके एसयूवी तक सब मिलेगी, तो कोई एक प्रिसाइज बजट रखिए, 7 to 8 या 8 to 9 ऐसा बजट होना चाहिए। 6 to 9 सर बहुत सारी गाड़ियां आती है उसमें, तो मैं आपको 9 तक आपने बजट लिखा है तो बेस्ट कार बताऊंगा। तो ये पूछते हैं कि सेफर भी होनी चाहिए कार में, कंफर्ट भी होना चाहिए एंड फ्यूल एफिशिएंट भी होनी चाहिए, 5 सीटर पेट्रोल कार चाहिए इनको। तो सेफ्टी एंड प्लस कंफर्ट आपको चाहिए प्लस फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस बजट में मुझे लगता है इसमें आपको मैं दो कार सजेस्ट कर देता हूँ, या तो आप टाटा नेक्सॉन ले लीजिए, उसकी भी फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल में अच्छी है, बुरी नहीं है, मैनुअल में, ऑटोमेटिक में नहीं अच्छी है। सेकंड कार आपकी रिकमेंडेशन में मुझे लगता है होनी चाहिए अमेज पेट्रोल, क्योंकि अमेज का जो है पावर भी ठीक ठाक है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है कार में, प्लस 4-star सेफ्टी रेटिंग भी आई है कार की, तो सेफ्टी में भी ये दोनों कार्स अच्छी हैं, नेक्सॉन को 5-star मिल ही चुके हैं। तो इन दोनों में से आप कार दोनों में से चूज़ कर लीजिए, आपको कौन सी आप प्रेफर करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेडियस जी का, मतलब ग्लेडियस इनका यूज़र नेम है। तो ये पूछते हैं पोलो का कंफर्ट लाइन वेरिएंट इनको 2016 का मिल रहा है, 20,000 चली हुई है, तो इन गुड कंडीशन है, 5 lakh में लेना सही रहेगा, आप कितना प्राइस ऑफर करोगे। तो मुझे अगर बोला जाता तो मैं तो सीधे सीधे बोल देता कि सर देखिए इस कार की मेंटेनेंस आगे जा के बढ़ने ही वाली है, तो मैं आपसे कार लेके आसान कर रहा हूँ आपके ऊपर, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दीजिए एंड मैं इस कार को 5 lakh में तो बिल्कुल नहीं लेता, तो मैं इस कार को 3 to 4 के बीच में ही लेता, उससे ज़्यादा में मैं नहीं लेता इस कार को, क्योंकि पोलो के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कार इतनी ज़्यादा इंडियन मार्केट में सेल नहीं होती है, कार काफ़ी वेल नोन्ड है बट इसकी रीसेल इतनी अच्छी नहीं मिलती है मार्केट में। हाँ ये कर लो पहले। तो कार सही है बट मुझे लगता है 5 lakh वैल्यू उसके लिए ज़्यादा है, क्योंकि TSI वेरिएंट तो है नहीं वो, तो उससे बेटर है मुझे लगता है कि आप कम से कम 3 to 4 के बीच में ट्राई करें, उस प्राइस पॉइंट में अगर वो कार आपको मिलती है तो डेफिनेटली एक अच्छी डील आपके लिए बन जाएगी। लेकिन अगर आप 5 lakh मिलेंगे तो आई डोंट थिंक ये डील सही होगी, क्योंकि काफ़ी महंगी पड़ेगी फिर आपको ये पोलो, क्योंकि इसके बाद मेंटेनेंस भी इसका हाई होता है, ऑलमोस्ट 10 to 12 thousand पर सर्विस का खर्चा आता है इसमें, प्लस उसके साथ स्पेयर पार्ट्स भी थोड़े एक्सपेंसिव ही हैं एंड बाहर से सर्विस आप करवा नहीं सकते हैं, तो आपको ये कार थोड़ी सोच समझ के लेनी चाहिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरदाल सिंह जी का, ये पूछते हैं कि ये निसान मैग्नाइट लेना चाह रहे हैं एक्सवी सीवीटी वेरिएंट सिटी के लिए, चंडीगढ़ से ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको केवल सिटी में चलानी है तो बहुत ही अच्छी आपने चॉइस की है, सीवीटी के साथ आपको काफ़ी हैसल फ्री चलाने में कार लगेगी, बिल्कुल भी जर्क्स नहीं आएंगे। देन उसके साथ साथ आपको जो उसकी स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट वेट है, लाइट वेट स्टीयरिंग की वजह से आपको ट्रैफिक में चलाने में कार को मैनूवर करने में बहुत ईजी पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ ये कार मतलब ओवरऑल इसके डायमेंशन भी ठीक ठाक हैं, एंड जो विजिबिलिटी वो भी अच्छी कार की सिटी में चलाने के लिए, तो सिटी के अकॉर्डिंग तो ये कार बहुत अच्छी है। एक वार्निंग इस कार के साथ मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये सिटी के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं तो बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आने वाला इस कार को चलाने में, क्योंकि जो इसके सस्पेंशन है वो हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छे ट्यून नहीं है, प्लस स्टीयरिंग व्हील मैंने बताया लाइट वेट है काफ़ी, हाई स्पीड पर भी उसमें वेट एड ऑन नहीं होता है, तो आपको हाईवे पर काफ़ी नर्वस ये कार फील कराएगी, तो ये चीज़ कंसिडर ज़रूर करिएगा। स्टीयरिंग का फीडबैक बिल्कुल नहीं है, तो आपको अगर हाईवे पे कार थोड़ी बहुत ले जानी है तो आप चला सकते हैं, एंड सिटी के लिए तो ये कार बिल्कुल ही सही, आप इस पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम सांगवान जी का, ये पूछते हैं इनको फर्स्ट कार लेनी है, इन्हें कन्फ्यूज़ है काफ़ी सारी कार्स के बीच में, अल्ट्रोज, i10, नियोस, बलेनो, फिगो और अमेज, आफ्टर मार्केट CNG भी फिट करवानी है इनको, CSD कैंटीन के थ्रू ये कार लेंगे, इनको सेफ्टी प्लस माइलेज का कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें सेफ्टी भी हो प्लस माइलेज भी हो, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं शायद इनमें से कोई कार नहीं सजेस्ट करूँगा CNG के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप आफ्टर मार्केट क्यों लगवाएंगे CNG, अगर आपको इसी प्राइस पॉइंट में Hyundai की ऑरा मिलती है विद CNG फैक्ट्री फिटेड, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही है, क्योंकि सेफ्टी भी आई थिंक इस ऑरा की ठीक ही ठाक है, आपकी बलेनो या i10 जितनी तो ख़राब नहीं होगी, बट इसमें क्या है आपको बूट स्पेस भी काफ़ी सही मिल जाएगा, फैक्ट्री फिटेड CNG मिल जाएगा, तो आपको कोई हैसल नहीं होगी बाहर से सर्विस की, प्लस वारंटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, एंड उसके साथ साथ सेडान कार है तो बूट काफ़ी अच्छा होगा, बट अगर आपको इन्हीं में से चूज़ करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अमेज़ पे जाना चाहिए, CNG में काफ़ी अच्छी चल भी जाती है अमेज़, पावर भी ठीक ठाक है, बहुत ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा आपको पावर में, प्लस आपको क्या है कि सेडान कार चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर इसमें CNG आप लगाते हैं फीगो, बलेनो, i10 में, तो इन सब का बूट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है, फिर आप कुछ यूजेबल नहीं बचता है, लेकिन सेडान कार्स में अमेज में जैसे काफ़ी बड़ा बूट आता है, प्लस आपका ऑरा में भी काफ़ी अच्छा बूट आता है, तो इन सब कार्स में क्या है कि सिलेंडर लगने के बाद भी CNG का एक इतनी स्पेस बच जाती है, एक मैनेजेबल बूट स्पेस बच जाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो एक फ़ायदा ये मिलेगा आपको, तो इन दोनों कार्स में से आप किसी एक पे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुअल, इनका यूज़र नेम है, तो इन्होंने लिखा है नाइस व्लॉग विद ग्रेट एफर्ट एंड इन्फॉर्मेशन, सो थैंक यू उसके लिए, एंड ये पूछ रहे हैं कि ये प्लान कर रहे हैं कॉम्पैक्ट SUV बाय करने का इसी मंथ में, तो ये कन्फ्यूज़ हैं इकोस्पोर्ट ट्रेंड और नेक्सॉन XM S वेरियंट में, सो ये पूछ रहे हैं इनको लॉन्ग टर्म में कार रखनी है एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए, एंड रनिंग इनकी काफ़ी कम है, 20 किलोमीटर्स अ वीक है, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर महीने में कार चलाएंगे, जो इनकी कंडीशन है जिसमें इनको कार चलानी है वो हिल्स में है, उत्तराखंड एंड हिमाचल की बात कर रहे हैं, एंड रफ रोड्स हैं प्लस स्नो भी इनको फेस करनी पड़ती है, तो ऐसा इन्होंने पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, तो ये पूछते हैं कि क्या और कोई ऑप्शन है इन दोनों के अलावा, और इन दोनों में से कौन सी बेटर रहेगी, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि और कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता है इस प्राइस पॉइंट में लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों से बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपको यहाँ पे इको स्पोर्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि इको स्पोर्ट ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में नेक्सॉन से एक लेवल ऊपर है, नेक्सॉन 19 है, 19 है तो वो 20 है, तो इको स्पोर्ट का ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी अच्छा है, हिल्स पे वो कार काफ़ी स्टेबल चलती है, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से ट्यून्ड है, प्लस कार में पावर काफ़ी अच्छी है, बस उस कार में एक ड्रॉबैक है, रेयर सीट स्पेस नेक्सॉन से थोड़ा कम देखने को मिलता है आपको, तो ये चीज़ आप कंसिडर ज़रूर करके चलिएगा, एंड इको स्पोर्ट की एक और ख़ास बात है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ कार आती है, 10 ईयर्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो मुझे लगता है आपको इको स्पोर्ट पेट्रोल पे जाना चाहिए, 1.5 लीटर वाला जो इंजन आता है उसका पेट्रोल में, 800 किलोमीटर्स की रनिंग है आपकी, तो ऑलमोस्ट हिल्स पे भी वो 13-14 का माइलेज दे देगी आपको, तो उस पे जाना चाहिए, एंड अगर आपको मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट, रेयर सीट स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है, तो आप एक बार नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको रेयर सीट स्पेस उतना मैटर नहीं करता है, मतलब एक एडिक्वेट रेयर सीट स्पेस आपको चल जाएगा, तो आप इको स्पोर्ट पे ही जाइए, क्योंकि हिल्स के अकॉर्डिंग इको स्पोर्ट बेस्ट कार है इस प्राइस पॉइंट में, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर स्टिक रहिएगा इको स्पोर्ट पे, एंड नेक्सॉन को मैंने बता दिया अगर रेयर सीट कंफर्ट ज़्यादा चाहिए सो नेक्सॉन पे भी जा सकते हैं आप।
तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो कि मैंने पिक किए, काफी लोगों की उम्मीद है इससे हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टारगेट है इस मंथ के एंड तक कि 4000 सब्सक्राइबर टच कर जाएं हम लोग। अभी कहीं 3100 के आसपास चल रहे हैं सब्सक्राइबर काउंट। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस बटन दबाना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहेंगी। एंड क्वेश्चन पूछना है तो मैंने पहले भी बता दिया है आपको, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन यूट्यूब का है ही, दोनों पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड आपको अगर कोई कार केयर की एक्सेसरीज से रिलेटेड डाउट्स है तो वो मत पूछिए, वो जैसे कि आपके कार चार्जर हो गया या आपके कार शैम्पू पॉलिश वगैरह के बारे में लोग थोड़ा मुझसे पूछते हैं, वैक्यूम क्लीनर कौन सा लें कार के लिए, तो वो सारे प्रोडक्ट जो है मैं हर वीडियो में नहीं बताता, उसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक होते हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कार केयर के लिए। तो नॉर्मल जो बेसिक कार केयर वाले प्रोडक्ट्स हैं आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको सारे डाउट्स वहाँ वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनी, हेलमेट पहनी एंड सेफ चलिए। गुड बाय।